Hello, I'm Dr. Amjit Bukhari, your teacher, and our subject is government and society in Pakistan. In the subject, we will study about the society, and we will try to understand what is society, and we will definitely try to understand the government, and then we will understand the government and society in Pakistan. So when we are discussing this topic, we must understand what is society, how it evolves, how it develops, what is the characteristics of the society, what are the components of the human society, and how it works. Dear students, society is an aggregate of people living together in more or less ordered community, and it's a group of individuals involved in persistent social interactions, or a large social group sharing the same spatial or social territory, typically subject to the same political authority and dominant cultural expectations. इसको अगर आसान अल्फाज में हम जानने की और समझने की कोशिश करें तो मुराद ये है कि ये अफराद का मजमू है, वो इकट्ठे रहने वाले लोग हैं जो एक सोसाइटी में रहते हैं, और एक सोसाइटी में किस तरह रहते हैं, उनके रहने के क्या अंदाज़ होते हैं, और किस तरह जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो क्यों इकट्ठे रहते हैं. सो द बेसिक थिंग इज़ दैट द सोसाइटी इज़ एग्रीगेट ऑफ पीपल, कि ये लोगों का मजमूआ है, अफराद का मजमूआ है, लिविंग टुगेदर, जो इकट्ठे रह रहे होते हैं, और ये अमूमन एक कम्युनिटी बनाते हैं, और वो कम्युनिटी जो है वो सोसाइटी कहलाती है. अब इसको इस टर्म को भी जानने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी वेयर दिस वर्ड्स डेराइव फ्रॉम. इट्स डेराइव फ्रॉम लैटिन आइडिया सोसाइटी. क्या मतलब क्या है इसका कि ये एक लातीनी लफ्ज़ से ये आइडिया लिया गया है, और इसका मतलब जो है वो है कि कनेक्शन बिटवीन फ्रेंड्स आर अलाइज, लोगों का आपस में रबता, दोस्तों का आपस में रबता. और मुराद क्या है कि वो लोग कम्युनिटी में रहने वाले वो लोग जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कैसे जुड़े होते हैं, वो चंद बाइंडिंग फोर्स हैं जो एक सोसाइटी को बनाने में, सोसाइटी को बाइंड करने में, सोसाइटी को जोड़ने में रोल प्ले करती हैं. और इसी बाइंडिंग फोर्स की बुनियाद पर जो है एक सोसाइटी तश्कील पाती है, और फिर ये सोसाइटी जो है वो जुड़ी रहती है. अब इसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. ये कि एक तो ये एक ऐसा सोशल ग्रुप होता है जो एक दूसरे के साथ अपने मफादात शेयर कर रहा होता है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मैंने बाइंडिंग फोर्स का नाम दिया, कि वो बाइंडिंग फोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ने का सबब बन रहे होते हैं. वो बाइंडिंग फोर्स जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जो एक दूसरे के साथ जोड़े रखते हैं. इसको हम मज़ीद डिटेल से भी डिस्कस करेंगे. तो आपने सोशियोलॉजी का नाम सुना होगा. व्हाट इज़ सोशियोलॉजी? सोशियोलॉजी इज़ एक्चुअली स्टडी ऑफ सोसाइटी. एक ऐसी साइंस है, ऐसी स्टडी है जिसमें हम सोसाइटी का जायज़ा लेते हैं, जिसमें हम सोसाइटी को पढ़ते हैं, इन डेप्थ पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, वो सोशियोलॉजी कहलाती है. सो बहुत सारी सोसाइटीज़ मुख्तलिफ बुनियादों पर खड़ी होती हैं. उसमें बाइंडिंग फोर्स रिलीजन भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिकल भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बाइंडिंग फोर्स का रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में. तो हम इसको ग्रेजुअली देखेंगे. फर्स्टली वी आर स्टडीइंग अबाउट द सोसाइटी, एंड इन सोसाइटी वी आर नाउ स्टडीइंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी, कि वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो एक सोसाइटी को तश्कील देते हैं. सो दीज करेक्टरिस्टिक्स आर, नंबर वन, द लार्जेस्ट ह्यूमन ग्रुप. पहला करेक्टरिस्टिक जो है सोसाइटी का ये है कि ये
एक अफराद का बड़ा मजमुआ होती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो एक ही जगह पर एक ही कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। तो ये पहला कंपोनेंट, पहला करेक्टरिस्टिक है सोसाइटी का। नंबर टू, इट सेटिस्फाइड द नीड्स ऑफ मेंबर्स, कि ये वो जो मेंबर्स हैं, वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो सोसाइटी में जुड़ कर रह रहे हैं, वो लोग सारे जो उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को सेटिस्फाइड करती है, उनकी ज़रूरियात को इत्मीनान देती है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करती है। वो ज़रूरत क्या हो सकती है? वो ज़रूरत माशी ज़रूरत भी हो सकती है, वो ज़रूरत खुराक की ज़रूरत भी हो सकती है, वो ज़रूरत सियासी ज़रूरत भी हो सकती है, वो ज़रूरत और इन सारी ज़रूरियात पर मुश्तमिल हो सकती है। और वो सारी जो है वो वहाँ पर उस सोसाइटी में बसने वाले लोग ये फील कर रहे होते हैं कि उनकी ज़रूरियात, उनकी नेसेसिटीज़ इस सोसाइटी के ज़रिए पूरी हो रही हैं। अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का, दैट इज़ द सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कोऑपरेशन, कि उस पीपल हु आर लिविंग इन द सोसाइटी, दोज इंडिविजुअल्स फील द सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कि उनको एक फीलिंग होती है कि वो उस सोसाइटी के मालिक हैं, वो सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो सोसाइटी के जोड़ने का सबब हैं। तो बिलोंगिंग, कि उनको उनको ऐसा महसूस होता है कि ये सोसाइटी उनकी अपनी है, और इसी बुनियाद पर वो एक दूसरे के साथ तआवुन का सिलसिला, एक कोऑपरेशन का सिलसिला जारी करते हैं। तो ये बिलोंगिंग और कोऑपरेशन जो है, ये भी आपस में मिल के सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स बनते हैं, और इसके बगैर जो है वो सोसाइटी नामुकम्मल तसव्वुर होती है। और नंबर नेक्स्ट जो सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक्स हैं, करेक्टरिस्टिक है वो है कि ये जो एसोसिएशन है, इट मे बी मोर और लेस परमानेंट, कि ये बहुत तवील अरसे के लिए या कम तवील अरसे के लिए परमानेंट होती है, लेकिन इट इज़ ए लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन। और ये अगर ये परमानेंट ना हो तो फिर सोसाइटी का वजूद में आना मुश्किल होता है और नामुमकिन होता है। तो ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक सोसाइटी के, जो सोसाइटी को जोड़ने का सबब बनते हैं, जो सोसाइटी को तश्कील देते हैं। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक सोसाइटी की तश्कील के क्या कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ वी विल डिस्कस द फाइव कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, एंड दीज कंपोनेंट्स। नंबर वन, एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इज ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, व्हाट डज इट मीन्स? पॉपुलेशन मीन आबादी, और आबादी क्या है? वो लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग जो है वो एक पहली जो बुनियादी चीज़ है ह्यूमन सोसाइटी की, वो लोगों का मौजूद होना है, लोगों की वहाँ प्रेजेंस है। कोई भी सोसाइटी जो है वो अफराद के बगैर नहीं बन सकती, वो इंडिविजुअल्स हैं, जब वो इकट्ठे रहते हैं तो सोसाइटी तश्कील देते हैं। तो पॉपुलेशन इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, नंबर वन पॉपुलेशन। एंड नंबर टू इज़ द कल्चर। एज यू नो दैट कल्चर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है उसकी उसमें जहाँ और बहुत सारी बुनियादें हैं, वहाँ पर लोगों का रहन सहन जो है वो भी एक अहम मामला है और एक अहम अंसर है, जिसकी बुनियाद पर जो है एक सोसाइटी तश्कील पाती है। जैसे कि लोगों के शादी ब्याह के अंदाज़, लोगों की गमी के अंदाज़, लोगों के मौत फौत के अंदाज़, ये सारा कुछ जो है वो कल्चर का हिस्सा बनता है। और जिस कम्युनिटी में लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं, उनका ये कल्चर जो है वो एक जैसा हो जाता है, और बाज़ुकात ये रिलीजन से भी अबव हो जाता है, और वो कल्चर जो है एक दूसरे के साथ मिंगल हो जाता है। जैसे हम सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं कि जहाँ बहुत सारी कौमें रह रही थी, तो एक दूसरे के ऊपर कल्चर की ओवरलैपिंग जो है वो हमें आज भी नज़र आती है। तो कल्चर जो है वो इज़ अ सेकेंड कम्पोनेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये सोसाइटी को तश्कील देने में, सोसाइटी को कायम रखने में एक बाइंडिंग फोर्स का रोल प्ले करता है, और इसके साथ जो है वो सोसाइटी नज़र भी आती है एक सोसाइटी है। नंबर थ्री इज़ द मटेरियल प्रोडक्ट। व्हाट इज़ द मटेरियल प्रोडक्ट?
कि वो जो कुछ सोसाइटी इकट्ठे मिलके रहती है, वो जो इंडिविजुअल्स इकट्ठे मिलकर रहते हैं, वो कुछ ना कुछ पैदावारी अमल का हिस्सा होते हैं. वहाँ कुछ ना कुछ पैदा होता है, वहाँ कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होता है, वहाँ कुछ ऐसा कुछ बनता है जो सोसाइटी को सेटिस्फाई करता है. वो खुराक का अमल भी हो सकता है, वो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. वहाँ पर कुछ औजार साजी भी हो सकती है, वहाँ पर कोई हथियार साजी भी हो सकती है. तो वो जो कुछ भी होता है उस सोसाइटी में, मटेरियल प्रोडक्ट्स होती हैं, दैट इज़ आल्सो ए कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. कि वो भी एक दूसरे को जोड़ कर रखने में, एक दूसरे को एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाने में मददगार साबित होता है. नंबर नेक्स्ट इज़ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक एक समाजी तंजीम नज़र आती है लोगों के अंदर. एक जो समाजी रवैये हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और उनमें एक तंजीम नज़र आती है, ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है. वो समाजी रवैये जो है, वो समाजी तंजीमें जो हैं, वो बुनियाद बनती हैं ह्यूमन सोसाइटी की. इसी तरह नंबर नेक्स्ट इज़ द सोशल इंस्टीट्यूशन, कि वहाँ पर जो है वो इसी समाजी रवैयों की बुनियाद पर समाजी तंजीमें वजूद में आती हैं, और समाजी इंस्टीट्यूशन जो है वो भी डेवलप हो जाते हैं. तो ये ऑलमोस्ट दोनों मिलते जुलते हैं. तो ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है हम इसको देखें तो ये फाइव इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट हैं ह्यूमन सोसाइटी के. अच्छा, ये अब ये सोसाइटी किस तरह बनी, सोसाइटी ने किस तरह अपना सफ़र किया, ये खुद बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसको हम ज़रा थोड़ा सा अपने इंटरेस्ट के लिए भी डिटेल से देखते हैं कि ये जो जर्नी है ये सोसाइटी की तशकील पाने का, ये किस तरह हुआ. इंसान इब्तदा में अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड में, आगाज़ में जो कुछ करता था, जिस तरह रहता था, शायद शायद ऐसा हो सकता है कि जब आगाज़ हुआ तो इंसान जो है वो एक सोसाइटी की सूरत में नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स की सूरत में इस ज़मीन पर मौजूद होगा. लेकिन उसने अपनी ज़ाहिर है खुराक के लिए भाग दौड़ करनी थी, खुराक के हसूल के लिए भाग दौड़ करनी थी. तो उस खुराक के हसूल के लिए उसने हंटिंग को अपनाया हुआ था. वो शिकार करता था और इस भाग दौड़ के ज़रिए वो अपने लिए खुराक इकट्ठी करता था. तो हंटिंग जो है ये इंसान ने अपने तजर्बे से सीखा कि जब वो अपनी इस हंटिंग को इंडिविजुअल करता है तो शायद उसमें कामयाबी कम मिलती है, और जब वो ग्रुप्स की सूरत में हंटिंग करता था तो उसमें शायद उसको कामयाबी ज़्यादा मिलती थी और खुराक भी ज़्यादा मिलती थी. तो एक इस जर्नी में जो है वो हंटिंग जो है उसने भी एक बुनियाद फराहम की कि लोगों को इकट्ठा रहने में मदद दी, कि लोग जो है वो अपने शिकार के लिए इकट्ठे निकलते थे और फिर शिकार करके लाते थे. पर उस शिकार को वापस लाकर उसको सारी कम्युनिटी में तकसीम करना, वो जो ग्रुप्स हैं जो जहाँ पर वो रहते थे उसको तकसीम करना, वो एक आसानी हो जाती थी. कि अगर ज़्यादा शिकार हो जाता था सबको मिल जाता था, कम शिकार हो जाता था तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो कोई महरूम नहीं रहता था, सबको जो है वो हंटिंग का हिस्सा जो है वो मिल जाता था. तो मेरा ख्याल है कि जब इंसान गारों में रहता था और हंटिंग करता था तो ये हंटिंग जो है वो खुद, खुराक का हसूल जो खुद, वो एक सोसाइटी की तशकील की बुनियाद बना और इस सफ़र को आगे लेके चलने में उसने किरदार अदा किया. हंटिंग के बाद जो है नंबर नेक्स्ट जो इस जर्नी को हम देखते हैं तो पेस्टोरल का दौर आता है. ये क्या दौर है, जिसमें लोगों ने गल्लाबानी सीखी. अच्छा, मेरा ख़्याल है कि ऐसा हुआ होगा कि जब इंसान हंटिंग के लिए जाता होगा, शिकार के लिए जाता होगा, तो शायद उसने अपनी इस हंटिंग के अमल में बहुत सारे मौक़ों पर जानवरों को ज़िंदा भी पकड़ा होगा, और उन जानवरों को ज़िंदा पकड़ के वो वापस लाए होंगे, अपनी जगहों पर लाए होंगे, और वहाँ पर उन्होंने अपने गारों में या अपने जो फील्ड थे वहाँ पर उनको बांध कर किसी तरह महदूद करके रखा होगा ताकि भाग ना जाए. तो जब उन्होंने रखा होगा तो फिर उन जानवरों के ज़रिए से उन्हें अपने खुराक के हसूल का जो है एक बड़ा ज़रिया मिला होगा, उससे उन्होंने गोश्त भी हासिल किया होगा, उससे दूध भी हासिल किया होगा, और इस तरह उन्होंने ये पेस्टोरल जानवरों को रखने पालने और उसे खुराक हासिल करने का एक बाजाबता निज़ाम अडाप्ट कर लिया होगा.
और इस निज़ाम ने भी लोगों को एक ग्रुप की सूरत में रहने पर मजबूर किया होगा कि जहाँ पर अगर वो जानवरों को रखते होंगे, गल्लापानी करते होंगे, तो वहाँ पर ला के लोगों को आसानी होती होगी कि उन जानवरों को वहाँ रख के एंड दे कैन गेट द फूड फ्रॉम दैट एंड दे कैन एक्सटेंड देयर पेस्टोरल फील्ड फ्रॉम दैट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हंटिंग के बाद जो है पेस्टोरल ने जगह बनाई और पेस्टोरल जो है वो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हुए हॉर्टिकल्चर की तरफ आ गया। हॉर्टिकल्चर क्या है, देखते हैं कि जैसे बागबानी, बागात की तैयारी और बागात से खुराक का असूल, ये भी एक ऐसा अमल है कि इंसान ने जब देखा होगा कि खुराक के लिए सिर्फ गोश्त और दूध पर इंहसार नहीं होगा, तो साथ साथ जो है वो वहाँ पर जंगली जड़ी बूटियाँ, पौधे और दरख्त, उनसे भी उसने फल हासिल किए होंगे और उनको अपने सदियों के तजुर्बात में परखा होगा और ये इस फैसले पर पहुँचा होगा कि फ़लाँ दरख्त का जो फल है वो खाने के काबिल है और फ़लाँ दरख्त का फल खाने के काबिल नहीं है। तो बतदरीज उसने इस खुराक को अपने पास इकट्ठा किया होगा, ज़खीरा बनाया होगा और फिर उसको ये रास्ता भी नज़र आया होगा कि ये दरख्त जो है इनको किस तरह उगाया जा सकता है और फिर इनको किस तरह महफूज रखा जा सकता है और इनके फल में इजाफा किया जा सकता है और किस वक्त इसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। तो ये सारे अमल को सीखा होगा और हॉर्टिकल्चर में जो है इंसान का एक बुनियादी किरदार रहा होगा कि लोगों को इकट्ठा करके और इस सारे मामले को आगे लेकर चलने में उन्हें बड़ी सहूलत हुई होगी। हॉर्टिकल्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हॉर्टिकल्चर के बाद जो है वो एक एग्रीरियन सोसाइटी जो है वजूद में आई। एग्रीरियन सोसाइटी किस तरह वजूद में आई कि भाई एग्रीकल्चर में किस तरह जो है लोगों को जोड़ने में किरदार अदा किया। तो आपने देखा कि हॉर्टिकल्चर में वो दरख्त और फ्रूट्स जो है जिसके ज़रिए उसने अपनी खुराक हासिल की, तो वो इसी सदियों के तजर्बे से उसने सीखा होगा कि बहुत सारे पौधे और बूटियाँ ऐसी भी हैं जिनको बाज़ाब्ता उगा कर उनके ज़रिए खुराक हासिल की जा सकती है। और जब उसने अच्छे अंदाज से इंसान ने इकट्ठे रहते हुए इसको उगाया होगा, इन सब्जियों को, गल्ले को, तो वहाँ से हासिल होने वाली खुराक को उसने किसी जगह पर इकट्ठा रखने का भी प्लान किया होगा। और जैसे आज भी हम देखते हैं कि गंदम के ज़खायर जो है वो इकट्ठे रखे जाते हैं और माजी में भी हम देखते हैं कि हमें पुरानी तहजीबों में भी गंदम और दीगर गल्ला जात को इकट्ठा रखने का और ज़खीरा करने का फन जो है वो नज़र आता है। तो एग्रीकल्चर जो सोसाइटी थी उसमें इंसान ने जो है इसको देखा कि किस तरह ज़रात को अडाप्ट करना है, उस ज़रात को अडाप्ट करके खुराक हासिल करनी है और फिर किस तरह खुराक को ज़खीरा करना है। तो खुराक को जब ज़खीरा किया होगा तो बाज़ुकात खुराक वाफिर भी हो गई होगी और बाज़ुकात कहीं कहीं किसी मकाम पर खुराक की किल्लत भी हो गई होगी। तो ये सारा अमल जो है वो साथ साथ चल रहा होगा और इसको जो है वो लेके इंसान आगे चल रहा होगा। तो इसके ज़रिए एक बाज़ाब्ता एग्रीरियन सोसाइटी जो है वो वजूद में आ गई होगी और लोग जो है वो मिलकर रहने और मिलकर रहने की अफादियत को समझने लगे होंगे और इससे इसके ज़रिए अपने लिए खुराक ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने का हुनर भी जानने लगे होंगे। इसके बाद जो नई सोसाइटी वजूद में आती है, नई शेप लेती है, वो है इंडस्ट्रियल पीरियड। इसको हम प्री इंडस्ट्रियल पीरियड, इंडस्ट्रियल पीरियड और पोस्ट इंडस्ट्रियल पीरियड में भी तकसीम कर सकते हैं। तो ये एक नया रुख था सोसाइटी का कि इंसान ने इससे पहले सिर्फ अपनी खुराक को अपना मतमा नज़र बनाया हुआ था और खुराक के हसूल के लिए सारी जदोजहद थी जिसमें हंटिंग थी, पेस्टोरल था, एग्रीकल्चर था। लेकिन अब जो है क्या हुआ कि इसकी बुनियाद और इसका आगाज़ जो है वो हम यूरोप से देखते हैं कि यूरोप में जहाँ इंसान ने एक मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट को सर्कल मूवमेंट में और राउंड मूवमेंट को वर्टिकल मूवमेंट में तब्दील कर लिया और इसने इंजन की बुनियाद रखी। पहिया इसकी ईजाद जो है वो पहले इंसान कर चुका था, उसी पहिए और उस घूमने के अमल को एक शेप से दूसरी शेप में बदलने से इंडस्ट्रियल पीरियड की बुनियाद बनी और उसके बाद जो है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है हम यूरोप में देखते हैं कि वो आ गया और फिर तरक्की की नई राहें खुल गईं और फिर इंडस्ट्रियल पीरियड जब अरूज पर पहुंचा तो हर तरफ सनत। और ये बुनियाद क्या थी, ये बुनियाद ये थी किस वजह से ये सारा कुछ हो रहा था कि अब इंसान अपनी आसूदगी के लिए काम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को सहल बनाने के लिए काम कर रहा था, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए काम कर रहा था।
अपनी मूवमेंट को आसान बनाने के लिए काम कर रहा था। तो ये जो इंडस्ट्रियल फेज़ है सोसाइटी का, ये हिस्सा है, इसमें इंसान ने भरपूर काम किया, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर किया, अपनी मूवमेंट, अपने सफ़र को आसान कर लिया, अपनी रसद लाने ले जाने को आसान कर लिया। इसमें असला साजी का बड़ा काम हुआ, जिसमें असला बनाया गया, इसमें औजार बनाए गए। तो आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल पीरियड में जो है एक इनकलाब सा भरपरा हो गया और बहुत सारी जो है वो तब्दीलियाँ हमें नज़र आई। उसके बाद जो है वो एक पीरियड आया सर्विसेज का, जिसमें इस अरसे ने इंडस्ट्रियल पीरियड को भी पीछे छोड़ दिया। हुआ क्या? हुआ ये कि वो एक्सपर्ट जो हमारे सामने आए, उन एक्सपर्ट लोगों ने अपनी एक्सपर्टीज़ को बेचना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर आप जिस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ आपको एक आईटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वहाँ आपको एक टेक्नीशियन की ज़रूरत है, वहाँ आपको एक प्लम्बर की ज़रूरत है, वहाँ आपको एक मिस्त्री की ज़रूरत है, मैसन की ज़रूरत है। तो ये सारे लोग जो है वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं। तो जिस सोसाइटी में लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं, वहाँ पर इन सर्विसेज की जो है वो ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा होती है। एक सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर एक साइंसदान की भी ज़रूरत है, एक डॉक्टर की भी ज़रूरत है, एक इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक आईटी एक्सपर्ट की भी ज़रूरत है, एक बैंकर की भी ज़रूरत है। तो ये सारी जो है ये पीरियड ऐसा आया जिसमें सर्विसेज ने एक बाइंडिंग फोर्स फ्राहम की सोसाइटी की तश्कील के लिए। तो ये एक इंसान का सफ़र है, इसको आप देखें तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त और इसको इंजॉय करने वाला सफ़र है कि इंसान ने किस तरह अपना इस सोसाइटी का सफ़र किया। ये अगर हम सोशियोलॉजी को डिटेल से सोशियोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इस हमें गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान की तरफ जाना है, तो हम पॉलिटिकल मामलात और हुकूमती मामलात जो है उनको ज़्यादा देखेंगे। लेकिन ज़रूरी था कि हम जर्नी ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी क्या है इसको देख लें, और इसके बाद जो है वो हम गवर्नमेंट को भी ज़रूर देखेंगे। सो सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन परसिस्टेंट सोशल इंटरेक्शंस, ए लार्ज सोशल ग्रुप शेयरिंग द सेम स्पैटुलर सोशल टेरिटरी, टिपिकली सब्जेक्ट टू द सेम पोलिटिकल अथॉरिटी एंड डोमिनेंट कल्चरल एक्सपेक्टेशंस। सो इन सो फार एज इट इज़ कोलाबरेटिव, सोसाइटी कैन एनेबल इट्स मेम्बर्स टू बेनिफिट इन वेज दैट वुड अदरवाइज बी डिफ़िकल्ट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोशल बेनिफिट्स कैन दस बी डिस्टिंग्विश आर इन मैनी केसेस फाउंड टू ओवरलैप। सो सोसाइटी में और भी कुछ हुआ क्या था कि फिर एक सिविल सोसाइटी का भी आप जिक्र सुनते हैं, सिविल सोसाइटी भी रूप में आ गई। तो सिविल सोसाइटी क्या है? सिविल सोसाइटी कैन बी अंडरस्टैंड एज द थर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, डिस्टिंक्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड बिजनेस एंड इंक्लूडिंग द फैमिली एंड द प्राइवेट स्फीयर। अगर इसको आसान अल्फाज में देखें तो इट्स एग्रीगेट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस दैट मैनिफेस्ट इंटरेस्ट एंड विल ऑफ द सिटीजंस। मीन कि ये गैर हकूमती तंजीम होती है, गैर हकूमती प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोगों के मफादात के लिए काम किया जाता है और लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक काम किया जाता है। ये सिविल सोसाइटी कहलाती है। सो हमने स्टूडेंट सोसाइटी को इन डिटेल देख लिया, इंशाल्लाह हम जो है इसको सिविल सोसाइटी को भी हमने देख लिया और इसका मैनिफेस्ट भी हमने इसको देखा कि क्या है। हम अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गवर्नमेंट को देखेंगे और फिर पाकिस्तानी सोसाइटी को देखेंगे और फिर हम जो है इन डेप्थ जो है गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इन पाकिस्तान को भी इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल दिस थिंग्स एंड आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू वेरी मच।